एवरी वन इस वाले वीडियो में मैं वन पॉइंट थ्री कालिदास लिटरेरी बैकग्राउंड कंप्लीट करूँगी। सो कालिदास वॉज अ लिटरियर व स्टेप इन फिलोसफ़ी एस्थेटिक्स एंड ग्रामर ओके सो कालिदास कालिदासज़ अ लिटरियर उन्होंने स्टेप आउट किया था एज अ फिलोसफी एस्थेटिक्स एंड ग्रामर वी नो दिस आफ्टर अ केयरफुल रीडिंग ऑफ दिज लुम ऑफ टाइम एंड अदर वर्कस ओके सो हम लोग इसको केयरफुल देख सकते हैं जब हम लोगों ने रीड किया था द लूम ऑफ टाइम uh, उस टाइम पर हम ये देख सकते हैं कि उसमें फ़िलोसफी थी एस्थेटिक्स थी और ग्रामर भी थी एंड उनके अदर वर्क्स में भी अवेलेबल हैं

फ्राम पॉपुलर एपिक्स वॉज आ रेगुलर प्रैक्टिस अमंग रफ़ एंशियट इंडिया तो अगर हम लोग एनशियट इंडिया के जो राइटर्स को देखें तो वो पुराने एपिक्स और जो पॉपुलर एपिक्स होते थे या स्टोरीज होती थी टेल्स होता था उसमें से राइटर्स जो होते थे वो लाइक एंशेंट इंडिया के जो पुराने एपिक्स होते थे उसमें से आइडियाज़ ले लेते थे एंड अपने हिसाब से रीमेजिन करके सेम स्टोरी को खुद से लिखते थे भाषा वज इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस डिप्लॉयड टेल्स फ्रॉम महाभारत एंड वो ट्रेमेटिक प्लॉट्स अराउंड देम ओके सो हम लोग अगर भाषा को भी देखें तो वो भी वैसे ही करते थे जैसे महाभारत से वो कुछ uh, मतलब डिप्लॉयड टेल महाभारत से कुछ ऐसा ले लेते थे एंड वो अपने हिसाब से प्लॉट को रि uh, इमेजन करके ख़ुद से लिखते थे भाषा प्ले उर्व भांगम कर्ण भारम आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ओके सो अगर भाषा की प्लेस उर्व भंगम और कर्ण भारम को देखें तो उससे पता चलता है कालिदासा इन हिज प्रोलॉग टू हिज फर्स्ट प्ले मालविका अग्निमित्रम एक्नोलॉजिज भाषा द एशियंट ड्रामेटिस्ट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ संस्कृत लिटरेचर से हाउ कैन द वर्क ऑफ मॉडर्न पोएट कालिदासा बी मोर स्टीम्ड देन द वर्क ऑफ भाषा कब कविपुत्र स्वामीलखा एंड अदर एस्टैब्लिश्ड फेम ओके सो so, जो कालिदास का पहला प्ले था का मालविका अग्निमित्रम जो एक्नॉलेज किया था भाषा भाषा से जो एक बहुत ही एंशियन ड्रामेटिस्ट थे भाषा एंड वो एक बहुत ही ग्रेट प्ले राइट थे संस्कृत लिटरेचर में एंड उन्होंने कहा कि जो कालिदास जो है वो वो एक मॉडर्न पोइट है और उनका जो काम है वो स्टीम किया गया है और उनका जो काम ज़्यादा फेम uh, में आया है भाषा से कंपेयर करते हैं या फिर कावि पुत्रा से या फिर स्वामी स्वामिलिका से सो द इशू इज एक्सप्लेन बाय कालीदासा तो कालीदासा ने इस इशू को एक्सप्लेन किया बाय सेइंग एवरीथिंग इज नॉट प्रेस वर्थी जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड नॉट शुड अ पॉलिटिकल वर्क बी डिसमिस जस्ट बिकॉज इट्स न्यू ओके सो कालिदासन ने कहा कि हर चीज़ जो uh, पुरानी है उसे हम प्रेजवर्दी नहीं कह सकते हैं अगर वो अच्छा है तो वो पुराना है तो भी अच्छा है और अगर वो नया है तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज़ वो नया है इसीलिए उसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे जैसे कि भाषा और पुत्रा और स्वामीलिका की जो प्लेस होती थी उनसे ज़्यादा पॉपुलर जो मालविका अग्निमित्रन जो था कालिदासा का फर्स्ट प्ले वो ज़्यादा फेम में आ गया था इसीलिए जब कालिदासा ने कहा कि ओल्ड इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजवर्दी बिकॉज वो पुराना है वो अच्छा है तो फिर वो ऑफ uh, कोर्स उसका फेम रहेगा पर नए को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे अगर कर नया अच्छा है तो है कालिदासा इज कॉन्शियस ऑफ़ द वैल्यू ऑफ आर्ट एंड एसेट्स दैट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एंटीकटी ओके सो कालिदासा का कहना है कि आर्ट और एसेट वैल्यूएबल होती हैं ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितना एंटीक है कितना पुराना है वो नया है और अच्छा है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे ही यूजेस द रैशनल प्रिंसिपल टू डिराइव एट वॉट इज़ प्रेसवर्दी इन लिटरेचर सो उन्होंने ये प्रिंसिपल रैशनल प्रिंसिपल डिराइव किया था uh, प्रेज वर्दी लिटरेचर में वर्दी कैसे होना चाहिए मतलब पुराना को हम हटा नहीं देंगे ही एम्फेस ही एम्फेसाइज द ग्रेट वैल्यू ऑफ भाषाज़ वर्क ओके सो उन्होंने ग्रेट वैल्यू मतलब भाषा के वर्क को एक ग्रेट वैल्यू भी दिया था एम्फेसाइज किया था हैक्सर वॉज ऑब्जर्व भाषा वॉज ऑलरेडी वेल नोन इन द इंडियन सीन ओवर फिफ्टीन हंड्रेड ईयर्स अगो वैन कालिदास हैड जस्ट बिगिन टू मेक हिस मार्क ओके सो हैक्सर का जो ऑब्जर्वेशन था उस हिसाब से भाषा जो थे वो बहुत पहले से ही जाने जाते थे एंड फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो उनका जो लिटरेचर uh, वगैरह था एंड उनका जो इंडियन सीन था वो पाँच सौ साल पुराना था एंड uh, कालिदासा जो थे उनका जो मार्क अभी नया नया ही बैठाना शुरू किए थे लाइक like, वो शुरू ही किए थे लिखना बहुत भाषा एंड कालिदासा अलॉन्ग विद भाना भट्टा द फर्स्ट संस्कृत नॉवलिस्ट एंड कोर्ट पोएट ऑफ सेवेंटीन सेवेंथ सेंचुरी कन्नूज नॉर्थ इंडिया ओके सुबाना भट्टा जो थे बाना भट्टा वो संस्कृत नॉवलिस्ट थे एंड तो पहले संस्कृत नावलिस्ट थे और कोर्ट पोयट थे सेवेंथ सेंचुरी कन्नूज के नॉर्थ इंडिया के कंट्रीब्यूटेड द लिट्रेरी कैनन ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ओके सुबाना भट्टा और कालीदासा और भाषा ने एक संस्कृत लिटरेचर को गढ़ा था एंड कंट्रीब्यूट किया था संस्कृत लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दी थी जया देवा ऑफ थर्टीन सेंचुरी हैड द फॉलोइंग टू से ऑफ द ट्रायो इन हीज़ वर्क प्रसन्ना राघवेद राघवा हु विल नॉट डिलइट इन द मेज ऑफ पोट्री Poetry, the lovely maid whose laughter is Bhasha, the guru of poets, whose uh, whose sports of pleasure is Kalidasa. ज क्यूप इट इज़ बाना ओके सो ये ट्रायो के बारे में जया देवा ने थर्टीन सेंचुरी में लिखा था और हु डिलइट द म्यूज़ ऑफ पोव पोएट्री ओके सो वो डिलइट करते थे द म्यूज ऑफ पोएट्री ऐसा लिखा है उन्होंने और द लवली मेड हुज लाफ्टर इज़ ओके तो लवली मेड की जो लाफ्टर है वो भाषा है और गुरुज पोट हु इन तो ओके okay, तो प्लेजर मतलब हुफ प्लेजर मतलब प्लेजर का एक गेम Um, खेल खेल में प्लेजर ऐसा टाइप का कालिदासा को कहा है एंड क्यूपिड इन बाना तो क्यूपिड बाना को क्यूपिड एज अ क्यूपिड बोला है ओके सो इट इज एविडेंट दैट कालिदासा हैड स्टडीड भारताज नाट्यशास्त्र तो ऐसा एविडेंट है कि कालिदासा uh, ने भारत का नाट्य शास्त्र पढ़ा है और ऑल्दो द अदर थियोरी कोस अराउंड भारत हैड दैट लर्न फ्रॉम कालिदासा तो अगर uh, अगर दूसरे थ्योरी की बात करें क्योंकि हम लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं है सब कुछ अज्यूम किया हुआ है तो किसी का ओपिनियन ये है कि काला कालिदासा ने भारत भार, भारता का नाट्यशास्त्र पढ़ा है और दूसरी थ्योरी का कहना यह है कि भारत ने कालिदासा का जो ड्रामा है उसको पढ़ा है लर्न फ्रॉम कालिदासा एंड रोट अ ट्रेडिस ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन इन कालिदासस प्ले हाँ तो मतलब कालिदासा की प्लेस को पढ़ा है एंड उसको सीखा है एंड रिप्रेजेंट uh, किया है कालिदासा के प्लेस को चंद्ररान हैज सेट द एम्फी ओके से okay, so ये चंद्र राजन ने कहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑथर तो ऑफ द नाट्य शास्त्र सेट डाउन टू तो कंपोज हिज ट्रेटिस इज विद कालिदासस प्ले बिफोर हिम दैट अ राइटर ऑफ कालिदास जेनियस एंड अकम्पलिशमेंट वुड राइट अ

कैरेक्टर सीन और कैरेक्टर ओके सो अगर हम लोग कालिदासा की बात करें तो उन्होंने सक्सेसफुली रसा को वेरिय न, वेरियस टाइप के जो भी रस रश, रसास हैं मतलब जो है सात आठ टाइप के जो रसास उनको अपने प्लेस में बहुत अच्छे से आ, सीन को और कैरेक्टर्स को इम्प्लीमेंट किया है वैल्यू दिया है रसास को एंड कौन सा कौन मतलब सारे रसा को एक प्रॉपर वे में सेट किया है दिस एस्पेक्ट वुड बी डिस्कस्ड इन समीटेल लेटर ओके सो ये सारे एस्पेक्ट को बाद में हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शेल टेक अ क्विक लुक इन अदर वर्क्स ओके सो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कालिदास के दूसरे वर्क्स को देखेंगे तो आई थिंक ये हम लोगों को कल कंप्लीट करना चाहिए एंड होपफुली uh, अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो एंड ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग